लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं रिकी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता और नहीं देखा जाता मुझसे। तो कौन कहता है तुझे देखने के लिए? तेरा काम पूरा हो गया, चल छोड़। छोड़ू कैसे, उनकी भूख प्यास की जड़ें मेरे अंदर खुब गई हैं, कटी नहीं जाती। पता नहीं यार तू कैसी बातें कर रहा है, आजकल तो तेरी जबान भी समझ में नहीं आती। मेरी हालत अगर तू समझता तो मेरी जुबान भी तेरी समझ में आ जाती। विकी मेरा एक काम कर दे, मैं अपना जमीन साफ करके जा सकूंगा। क्या उनके पैसे बढ़ा दे, उनकी महंगाई की मांग पूरी कर दे। महंगाई महंगाई भत्ता तो मिलता ही है उनको। सिर्फ नाम के लिए विकी, सिर्फ नाम के लिए, ये सब दिखावा है। महंगाई के नाम पर कुछ रुपए मिलते हैं, पता लगता है बाजार का भाव दूसरे दिन 10 गुना बढ़ गया। सुबह शाम वही सूखी रोटी खाने को मिलती है, जब ज्यादा सूख जाती है तो चाय में डुबो के निकल जाते हैं। विकी महीनों उनके घरों में दाल या सब्जी नहीं बनती। आलू जो 8 किलो मिलते थे आज 1.5 रुपए किलो मिलते हैं। गोभी जो ओफो, कहां तू आलू गोभी के भाव लेके बैठ गया है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? कल ही मैं डीए मंजूर करा देता हूँ। किस बात का डीए अलाउंस? कीमत बढ़ गई, हमने बढ़ाई है, हमने बढ़ाए आटे दाल के भाव। गवर्नमेंट का फर्ज है प्राइस लाइन पर कंट्रोल रखना, गवर्नमेंट से जाके मांगे अपना डीए अलाउंस। लेकिन डैड ये तो आप ही के वर्कर्स है ना, दिन रात चाय में रोटी डुबो के खाएंगे तो काम क्या करेंगे? तुमने कब से उनकी रोटी चाय देखनी शुरू कर दी? तुम्हें किसने बता दिया ये भाव आटे के दाल के? डैड वो तो अच्छा तो तुम्हें फिक्र लग गई है तो मुझे भी कुछ सोचना ही पड़ेगा। देखो सर मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की? 11 बजे, बस अभी जा रहा हूँ, रास्ते में दुधिया साहब को पिकअप करना है। वेरी गुड, जल्दी से फैक्ट्री जगह का सौदा पक्का करके आओ, बहुत आइडियल जगह है। लेकिन मैंने तो सुना है कि वहाँ बॉर्डर का झगड़ा चल रहा है, इसलिए तो। देखो बेटे थोड़ी सी दूरंदेशी की बात है, डिवाइड एंड रूल बहुत बड़ा पुराना गुर है जो अंग्रेज जाते जाते हमें दे गए थे। मजदूरों से काम लेने के लिए जरूरी है कि उनकी एकता को तोड़ के रखो, उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दो कि वो हिंदुस्तानी है, एक ही कौम के, बल्कि कहो तुम मद्रासी हो, तुम बंगाली हो, तुम पंजाबी हो, तुम बिहारी। ये आप क्या कह रहे हैं डैड, ये तो गद्दारी है, एब्सोल्युटली एंटीनेशनल। बेटा बात है काम निकालने की, एक अरसे तक हम लोग हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करा के मजदूरों की एकता तोड़ते रहे और अपना काम निकालते रहे, पर क्या करें वो चाल भी आहिस्ता आहिस्ता समझ गए ये लोग। अब एक नया गुर मिला है, बॉर्डर का झगड़ा। इधर के लोगों से कह दो कि उधर के लोग तुम्हारी जमीन से कमा के खा रहे हैं, बस काफी है, आपस में लड़ते रहेंगे, जान दे देंगे। समझते हैं जमीन का उतना सा टुकड़ा उनके प्रांत में आ गया तो राजा हो जाएंगे, राज तो हम करेंगे बेटे, उन्हें तो वही रोटी और प्याज मिलेगा जो मिलता रहा है। तू जाना जाके बना फैक्ट्री, बाद में सोमू को भी बुला लेना और फिर संभालना दोनों मिलके, अपने आप सीख जाओगे। ओके डैड। जैसे हाँ सर, तू विक्की पर नजर रखता है ना? बिल्कुल सर। उसे गुड़ तेल आटे का भाव कैसे मालूम हुआ? साहब वो चंदर है ना, नया यूनियन लीडर, वही सारा छोटा सा को भड़काता है, जब देखो खुसुर खुसुर करता है। और साहब वो हरामजादे यहाँ घर पे भी आता है, छोटा सा कान भरता है। अरे चंदर बड़े सेठ आ गया, साथ में साला कुत्ता भी है।
सोमू, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? मैं घर से लड़के आया है क्या? अरे पागल, तू तो मालिक है यहाँ का, तुझमें और विक्रम में कोई फर्क है भला? ए, तुम दोनों मिलकर कोई तमाशा तो नहीं कर रहे? कोई भरोसा नहीं तुम दोनों का, चल आ आ मेरे साथ। साला गद्दार। ओहो, हुआ क्या कुछ, बता तो सही। छी 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 छी, इंसान का कोई भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन किसका, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे क्या बोलूं, चंदर जैसा आदमी अगर मजदूरों को धोखा दे जाए तो। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ है, चंदर सेठ का आदमी निकला। तुम लोगों ने पागल हो गए तुम? मरने दीजिए, गद्दार है साला, गद्दार है। झूठ है ये, गलत है सब। तेरे सेठ के बेटे का दोस्त नहीं है क्या? हम सब लोगों में फूट डालने के लिए नहीं आया? अच्छा ये सही है, लेकिन ये आदमी वो नहीं रहा। जरा सोच के देखो, अगर ये मालकों का आदमी होता तो मालिक साहब के सामने इसकी पोल नहीं खोलते। ये मालकों की चाल है, वो चटाना चाहते हैं, क्योंकि उनका आदमी होते हुए भी अब मजदूरों का दोस्त बन गया है। क्यों बेटा? विपिनलाल जी, ये सच है, मैं आया था मजदूरों यूनियन तोड़ने, लेकिन इनके साथ रह के इनकी जिंदगी देख। जानता हूं बेटा, रत्नाकर मरा मरा बोलते बोलते राम राम कहना सीख गया था। चलो चलो उसे अंदर ले चले। इधर, आप एयरपोर्ट गए थे ना? हाँ, फ्लाइट मिस हो गई, शाम की फ्लाइट से जाऊंगा। वो गाड़ी में सूट कैसे उठा लो। साहब, साहब, तू यहाँ क्यों आया? एक बहुत जरूरी खबर देना। मुझे कुछ नहीं सुनना। सोमू साहब के बारे में साहब। तू जाता है कि नहीं? दलाल कहीं का? ठीक है सर। किसके बारे में बताने आया था? सोमू साहब के बारे में। सोमू नाम किसने बताया तुझे? यही तो बताने आया था साहब। क्या बताने आया था? बोल। साहब, दलाल की दलाली का कीमत होता है। बोल किसने बताया तुझे? आपका पिताजी ने मिल में सबका सामने सोमू साहब का पोल खोल डाला, और वो जब बस्ती में गया साहब तो उसको इतना मारा, इतना मारा। क्या बकता है तू? मां कसम साहब, हम सच बोलता, अपन का आंख से देखे लाए। विकी, किस साले ने सोमू पे हाथ उठाया? बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी मां का दूध अजमाना चाहता है? आजा सामने कुत्तों, कबीलों, आप हाथ उठा के दिखाओ। आओ, एक एक की खाल ना खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे?
अब तुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रहने दूंगा। देखिए शांत हो जाने की, बैठ। मैं यहाँ बैठने नहीं तुझे ले जाने आया हूँ, चलो चल। मेरा अब जाना बहुत मुश्किल है रे। मतलब? मतलब तू नहीं समझेगा। देखिए इन लोगों के साथ कुछ दिन रहता है तो। इन लोगों के साथ? इन लोगों के साथ रहने की निशानी तो तेरे बदन पर देख रहा हूँ। ये तो मेरे प्रायश्चित के निशान है। फालतू बातें मत कर सोमू, कम ऑन, गेट अप नाउ, यू आर कमिंग विद मी। मैंने कहा ना विकी, पिछले जीवन में लौटना मेरे लिए नामुमकिन है। जान सकता हूँ क्यों? विकी कितनी बार कार में आते जाते तुमने देखा होगा, कचरे में से बच्चे खाना चुनकर खा रहे। क्या हालत होगी देश की, कहकर तूने मुंह घुमा लिया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा और थोड़ी देर में सब कुछ भूल गया। अगर किसी दिन गाड़ी से उतर के उन्हें नजदीक से देखने जाता तो शायद दोबारा फिर कभी गाड़ी में न बैठ सकता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ रे। मैं गाड़ी से उतरा और उन्हें नजदीक से देखने गया और फिर दोबारा वापिस गाड़ी में न बैठ सका। ओ, इसका मतलब ये लोग आज ज्यादा प्यारे हो गए। नहीं रे, इनसे प्यार करके मैं जिंदगी से प्यार करना सीख गया। बस बस, और डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं। साफ साफ बता, मेरे साथ चलेगा या नहीं? विकी, तू नहीं आ सकता मेरे पास यहां। जवाब मिल गया सुमो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तुम तो कह रहे थे 7 दिन में खत्म हो जाएगी ये हड़ताल, 3 दिन में ढीले पड़ जाएंगे ये लोग, लेकिन क्या हुआ, आज महीना होने को आया। लोग तो मर रहे हैं भूख से, बीमारी से, लेकिन क्या करें, जिद नहीं छोड़ते। ये हेडलाइंस देखी है आज की, भगवान ने चाहा तो इस बार ये जंग टल नहीं सकती, वॉर इज इनएविटेबल। वॉर का मतलब है पैसा, कमाई। ऐसे मौके मिलते कितने हैं जिंदगी में, और फिर ये कोई बर्ड बॉर्ड तो है नहीं जो बरसों चलेगी, हफ्ता, 10 दिन या महीने में पैसा पाने, उसे भी हाथ से कमा दे। ये सही है सेठ जी, लेकिन करें क्या। उन दोनों को बुला और बैठकर समझौता कर लो। फिलहाल सारी शर्तें मान लो, जंग गुजर जाए तो फिर देखेंगे। और सुनो, हड़ताल के टूटते ही विपिनलाल और सोमू दोनों को हटा दो। उन्हें हटाने से तो फिर हड़ताल हो जाएगी सेठ जी। तुम्हारी अकल को क्या हो गया है दुखिया, पेपर पढ़ते हो या नहीं? कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई लॉरी के नीचे आता है, कोई गाड़ी के नीचे। जाओ अपना काम करो। आज हड़ताल को पूरे 33 दिन हो गए। हमने 3 दिन की ताकत को 30 दिन तक खींचा, यही वक्त है संभलने का, संभाले रहने का। लेकिन याद रखिए, अगर इस वक्त हाथ छूट गए तो उंगलियां भी पकड़ में नहीं आएंगी। दोस्तों, कोई भी मजदूर हड़ताल नहीं करना चाहता, किसी भी मजदूर के यहाँ महीने भर का राशन भी नहीं होता, लेकिन हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ती है। और हड़ताल से हमें बताना है कि जितना कमजोर हमें मालिक समझता है उतने कमजोर हम नहीं है। किसने कहा तुझे? वो हमको मत पूछो साहब, आपका दोस्त का जान बचा लो, वो बहुत अच्छा आदमी है। पहले बता कौन उसकी जान लेना चाहता है। वो हमने बताया साहब। कौन है वो? खाली पीरियड टाइम बर्बाद करता है साहब। डैडी, बड़े साहब ने कहा। आप जान के पीछे क्यों पड़ा है? आपको नाम से मतलब है कि आपका दोस्त का जान बचाने से? नहीं साहब, इस बार अपन दलाल बन के नहीं आए साहब, जिंदगी में पहला बार ईमानदारी का बात किया है साहब। पैसा नहीं मांगता है।
जागे कर रही? बस खत्म। क्या इंतजार, यहाँ बैठी वही तो कर रही थी। क्यों? हड़ताल तो मिल में हुई है, मिलने की हड़ताल थोड़ी है। मालूम है, एक महीने से तूने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। ये पगली, हड़ताल में कितना काम करना पड़ता तुझे मालूम है? मिल में तो सिर्फ एक पाली काम करना पड़ता है, हड़ताल में तीन पाली। सबके बारे में सोचना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, एक शामा को छोड़ के ए? अपना ख्याल नहीं करने का? तुझे कुछ हो गया तो हड़ताल में कितना जान का खतरा होता है मालूम? यहाँ किसे परवाह है, एक सोमू मर गया तो दस पैदा नहीं हो जाएंगे। और मेरे एक चंद्र को कुछ हो गया तो मेरे लिए तो दस चंद्र पैदा नहीं होंगे। ए, मजदूरों की लड़की होकर ऐसी छोटी बातें करती? क्या हम सिर्फ अपने सुख के लिए लड़ रहे हैं? सबका सुख हमारा सुख नहीं है। ए, ए, चल जा, अच्छा सा खाना बना मेरे लिए। अच्छा अच्छा खाना कहाँ से बनाओ इस हड़ताल में? ए पगले, तेरे हाथों से जो बने वही अच्छा। चल जा, जा, मैं भी आ रहा हूँ। चल ना। अरे भाई, चंदर को किसी ने देखा? सुबह से तार आके पड़ा है, उसकी माँ बहन आज आने वाली है। चंदर को तो अभी उधर जाते हुए देखा। उधर? हाँ। अब तो ट्रेन कब की आ चुकी होगी। मुझे यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, बस की कमी नहीं है। ओ छोकरा दादा, ये सामान ले चल। लालजी को बुलाने गया? हाँ गया। तू जाके एम्बुलेंस के फोन करते। हाँ करता हूँ। सोमू, इधर देख। सोमू, सोमू, देख, मैं विकी। विकी? हाँ विकी। हाँ सोमू, हाँ मैं आ गया सोमू। तूने कहा था ना मैं क्यों नहीं आ जाता यहाँ तेरे पास। मैं आ गया सोमू, मैं आ गया। हाँ सुनो, तू आ गया विकी। हाँ इन सब को देखना, तेरा जिम्मेदार। हाँ हाँ सुनो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ सुनो। मैं वचन देता हूँ सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। उसकी माँ हूँ। क्यों, क्या हुआ, कहाँ रहता है सुमू? अरे
मुझे पैसा देके, मुझे पैसा देके किसे हाल? मैंने भेजा था उसे। इस खून का जिम्मेदार मैं हूं। वो नमक हराम था, नमक हराम। मिलोर्ड, मेरी मदद के लिए मैं ही उसे यहां लाया था, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय वो मेरा दुश्मन बन गया।